मैं डॉक्टर विजय दहीफले, मैं यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट हूँ। महाराष्ट्र मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ 25 साल से। इंडिया में सेक्स एजुकेशन, अवेयरनेस और सेफ्टी, इसके बारे में मैं मोटिवेशनल स्पीकर होकर वर्क करता हूँ। यहाँ पे मास्टरबेशन या हस्तमैथुन, ये युवकों में दिखाने जाने वाली बहुत कॉमन समस्या है और उसमें काफ़ी मिथ्स है। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात कहना है कि मास्टरबेशन होता क्या है। मेल हो फीमेल हो, जब हम प्यूबर्टी में आते हैं, यौवन में आते हैं, तो जो सीक्रेशन बनते हैं उससे, जब उसे रिलीज करने के लिए अपने हाथों से उसे मूवमेंट करके निकाला जाता है, उसे मास्टरबेशन कहते हैं। कुछ लोगों में ऐसी मिथ्स है कि ये करने की वजह से अपनी एनर्जी डाउन होती है, तुम्हारे अंदर कमजोरी आती है, तुम्हारे अंदर वीकनेस आता है, ऐसे किसी भी तरह से एनर्जी लॉस होना, या मेरा वीर्य चला गया और मैं उसकी वजह से वीक हो गया, मेरी एनर्जी डाउन हो गई, ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट लिमिट में रहने की वजह से कभी कभार हफ्ते में एक या दो बार आप अच्छा प्रॉपर हाइजीन से उसे करोगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मास्टरबेशन करने से थिनिंग होता है या पतलापन आता है। बहुत बार कुछ लड़के उसे ओवर मास्टरबेशन करने की वजह से आगे चल के उन्हें कमजोरी या छोटा लिंग या शीघ्रपतन की समस्या आ सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, तुम लिमिटेड रीजन में और गाइडलाइन से करोगे तो अच्छा है, लेकिन आप उसके एडिक्ट बन के इतना तुम कर रहे हो जिससे आपका रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है, फिर उसकी वजह से आप, आपकी मैरिड लाइफ में बाद में पार्टनर के साथ आपको सेक्सुअल डिसफंक्शन, कमजोरी या शीघ्रपतन जैसी समस्या आ सकती है, लेकिन उससे आप थिन हो गए या पतले हो गए इस किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं रहता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे कहना है कि इसे तुम लिमिट में ही करोगे, उस वक्त की एंग्जाइटी रिलीज करने के लिए करोगे तो ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन जब उसे आपको इसकी आदत लग के आपका रूटीन उसमें डिस्टर्ब होते जा रहा है तो ऐसे केसेस में वो एज एडिक्शन बन सकता है। लेकिन ऐसा कोई पतला होना या वीक होना, ऐसा उसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता है। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप लिंक्स के ऊपर देख सकते हो।